हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज का हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है दूध के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास गिलास है, हमने इसके अंदर दूध डाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास आपको हाथ में दिख रही होगी पोटास पर मैग्नीशियम, जो कि ये है। देखिए, ये मात्रा आपको मेडिकल स्टोर पर 30 या 40 रुपये के करीब में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये हमने इसे फाड़ लिया है। अब हम ये दूध के अंदर धीरे धीरे करके मिलाने वाले हैं। दोस्तों, इसे देखते हैं कि इसके अंदर क्या रिएक्शन होगा। तो दोस्तों, हमें रिएक्शन तो दिखने लगा। दोस्तों देखिए, इसमें दूध में डलते ही मतलब दूध का कलर आप देख रहे हैं कि मतलब कैसा गुलाबी गुलाबी सा हो गया है। तो दोस्तों, अब हम इसे थोड़ा सा चला देते हैं, देखते हैं चलाने पर कुछ रिएक्शन होता है या नहीं। तो दोस्तों, चलाने में अभी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें रिएक्शन होने में टाइम लगता है, थोड़ा सा 5 से 7 मिनट के करीब लग जाते हैं। तो दोस्तों, 5 से 7 मिनट में देखते हैं कैसे। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए ब्लैक ब्लैक सा ऊपर आ रहा है। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ज्वालामुखी की तरह आ रहा है, जैसे ज्वालामुखी के अंदर से काले काले से जो निकलता है लावा। तो दोस्तों, ये ऐसे लग रहा है। तो देखिए कैसे ये लावा की तरह लग रहा है। तो इसमें दूध और पोटेशियम पर मैग्नीशियम का तो पता ही नहीं इसमें मिला हुआ है कि नहीं, दूध का तो बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा। तो दोस्तों, ये मतलब इसमें देखिए कितनी भाप निकल गई है। तो दोस्तों, अब हम इसे चम्मच से चलाने वाले हैं कि देखने वाले हैं कि इसके अंदर दूध है या नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा उसमें चम्मच से चलाया, इसमें बुलबुले टाइप के से कुछ दिख रहा है। और ये देखिए हमारा हमने जो इस पर घेरा, ये हमारी मेज भी गुलाबी गुलाबी टाइप की सी हल्की हल्की सी होने लगी है। तो दोस्तों, और कुछ नहीं हो रहा इसके अंदर, तो हम थोड़ा सा हाथ लगा के देखते हैं। तो बस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको ऐसी मिलती रहेगी।